हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हो आप। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए, भले चंगे हो गए और अपने अपने परिवार के साथ मस्ती से एंजॉय कर रहे हो गए। तो अभी देखिए, ये पितृविसर्जन के दिन का एक क्लिप है। मैंने उस वीडियो में इसे ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर उस वीडियो में ऐड करती ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, फिर आप लोग ही फुल वॉच नहीं करते। तो मैंने सोचा कि इसे दो पार्ट में मैं अपलोड करूंगी। तो यहाँ देखिए, पितृ लोग को मैंने खाना जो निकाल दिया है और हस्बैंड अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। फिर मैं लग गई थी सफाई के काम में, क्योंकि कल माता रानी का दिन है, माता जी आएंगी, उनका हम लोग नवरात्रि का पूजा करेंगे, व्रत रहेंगे। तो इसलिए कल मैं नहीं कर रही हूँ, आज ही लगे हाथ में कर लूँगी सफाई ना, तो हो भी जाएगी। और ऐसा हम हर साल करते हैं, पितरों को विसर्जन करने के बाद फिर सफाई में लग जाते हैं। माना जाता है कि पितृविसर्जन के बाद घर की साफ सफाई बहुत अनिवार्य होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले सफाई जो है ना, वो जालों को साफ़ करने से किया है। कि पहले मैं जालों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इन 15 दिनों में जाले बिल्कुल मैंने साफ़ नहीं किए, तो बहुत ज़्यादा जाले जो हैं वो लग गए थे। पर फ्रेंड्स, हर साल तो मेरे 15 दिन ही होते हैं, पर इस साल मैंने 1.5-2 महीने से कोई सफाई नहीं की है। क्योंकि आप सभी को तो पता है, जो मेरे ब्लॉग पहले पिछले वाले ब्लॉग जो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि मेरी तबीयत कैसी थी। तो और जो नए होंगे उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ उन्हें कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मुझे 2 बार फीवर आ गया था और एक बार तो एडमिट होने तक का नौबत आ गया था। तो मैंने 1 महीने तक कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था अप्रैल मई के समय में। और फिर नेक्स्ट टाइम मुझे, मैं मायके गई थी तो वहाँ फीवर आ गया था। जब वहाँ से आई थी तो मैं काफ़ी कमज़ोर थी, तो इसीलिए मैंने घर की कोई क्लीनिंग नहीं की। और आज मैं 2 महीने बाद क्लीनिंग कर रही हूँ, तो बहुत गंदगी निकल रही थी फ्रेंड्स। कैमरे में तो उतना शो नहीं हो रहा है ना, पर पूरा जो फर्श दिख रहा है ना, पूरे फर्श पे हम लोग के पैर में काफ़ी गंदगी लग रही थी। और कैमरे में तो डस्ट वगैरह उतना नहीं आता है। तो अभी देखिए, मैं हल्की हल्की सफाई कर रही हूँ, जैसे कि ऊपर का रैक वगैरह नहीं साफ़ कर रही हूँ, वो हस्बैंड कर लेंगे। और यहाँ देखिए, छवि इंजॉय कर रही है बैग लेकर के। तो मैं वही हंस रही थी कि छवि, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, छवि इसमें मस्ती कर रही है। और सारे बच्चे मेरे साथ काम करवा रहे थे, रुपेश भी लगा था, छवि लगी थी, क्षमा लगी थी। क्षमा का काम था, वो कैमरामैन बनी हुई थी इस समय, वो कैमरा लेके बस वीडियो बना रही थी। मैं जहाँ बोल रही थी कि यहाँ कैमरा ऑन करो तो ऑन कर रही थी, जहाँ ऑफ़ करने को बोल रही थी तो ऑफ़ कर रही थी। और फ्रेंड्स, ये सफाई मैं 4-5 घंटे में कर लेती हूँ, पर आप यकीन नहीं मानोगे, 1 बजे से मैंने शुरू किया था और 7 बजे मेरी जो घर की सफाई है वो ख़त्म हुई थी। जबकि मैंने आगे के कमरों का डस्टिंग नहीं किया था, बस हल्के हल्के झाले ही सब साफ़ किए थे। तो बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स कि काम करते वक्त वीडियो शूट करना। तो अभी देखिए, मैंने अलमारी के नीचे का एरिया साफ़ कर लिया है, पीछे का एरिया, और ड्रेसिंग टेबल को मैंने हटा के वहाँ से सारे डस्ट जो है वो निकाल लिया। और पीछे भी झाले लगे हुए थे तो मैंने उसे भी साफ़ कर लिया। आप देख सकते हो कितना कूड़ा निकला है घर से, एक रूम से इतना कूड़ा निकला है। अभी किचन तो बाकी है, मैं तो देख के कूड़ा हैरान हो गई कि मेरे घर में इतना कूड़ा। मैं इतना मतलब केयर करती हूँ कि कहीं डस्ट ना रहे, कहीं झाले ना हो, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने 2 महीने से कोई सफाई नहीं की, इसलिए इतने कूड़े निकल गए हैं। वरना मैं 15-15 दिन पे तो मैं हल्की फुल्की सफाई कर लेती हूँ, और जब 1 महीना होता है तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग ही करती हूँ। और हल्की फुल्की या डीप क्लीनिंग में मैं सारे जितने भी सामान है ना, सारे सामान को हटा के ही सफाई करती हूँ। फिर देखिए, गद्दा मैंने उठा दिया, इसे मैं धूप दिखा देती हूँ, क्योंकि ये भी 1 महीना हो गया मैंने धूप नहीं दिखाया है। आगे वाली रूम का जो गद्दा है उसे तो मैंने धूप दिखा दिया था, पर इसे नहीं दिखा पाया था। और फिर दीवान के जो दीवान के साइड साइड में जो स्पेस होता है वहाँ पर भी बहुत झाले लग गए थे। तो दीवान का जो लीड होता है ना, उसे उठा के मैंने चारों तरफ से वहाँ से भी झाले निकाल लिए। और फ्रेंड्स, मुझे कुर्ती में बहुत दिक्कत हो रहा था सफाई करने में, तो इसलिए मैंने नाइटी डाल लिया। नाइटी बहुत कंफर्टेबल होता है फ्रेंड्स, और मैंने इसलिए डाल लिया ना कि आप लोग तो अपने हो, आप लोग के सामने तो मुझे कोई ऐसा है नहीं कि मैं बनावटी चीज़ दिखाऊं। तो इसलिए मैंने नाइटी डाल लिया कि आप लोग तो फैमिली मेम्बर हो, और बाहरी कोई तो है नहीं कि मैं जिनसे शर्माऊँ या मुझे वो हो कि मैं कोई बात नहीं, मैं सूट पहनी हूँ तो सूट पहनने के बाद ज़बरदस्ती क्लीनिंग करूँ। तो इसीलिए मैंने नाइटी डाल लिया। तो यहाँ देखिए, अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में ऊपर के झाले जो थे ना, इस रैक की वजह से मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे, तो रुपेश ने ऊपर के झाले सारे साफ़ कर दिए। फिर मैंने सारे डब्बे, यहाँ पे कुछ कांच के आइटम थे और कप्स थे,
तो बच्चों को अगर चढ़ाती ना तो हो सकता है कि उनसे टूट जाता, इसलिए सारे जितने भी कप कांच के आइटम डब्बे वो सारे डब्बे मैंने नीचे उतार लिया, फिर उन्हें वॉश कर लिया। और अभी जो हो रहा था फ्रेंड्स, शाम के 4:30 बज रहे थे, तो अभी देखिए मैंने सारे डब्बों को धुल दिया है और छवि बाहर बाहर सफाई कर ले रही थी क्योंकि शाम हो रहा था। तो मैंने बोला कि छवि तुम झाड़ू निकाल लो बेटा, क्योंकि कितना टाइम होगा मुझे पता नहीं और शाम के बाद झाड़ू नहीं निकालना चाहिए। तो वो झाड़ू निकाल रही थी, फिर सारे डब्बे सूख गए थे उन्हें मैंने लगा दिया और फिर मैं जो सेल्फ है वहाँ की क्लीनिंग करने लगी, तो वहाँ के भी सारे डब्बे मैंने वॉश कर लिए। और ऐसे ही अभी मैंने सिर्फ हल्का गीला करके कपड़े को पोंछ दिया है, अभी तो दिवाली आने वाली है तो डीप क्लीनिंग करूँगी। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे डब्बे जो हैं मैंने चेंज किए हैं, जैसे कि ऊपर के जितने भी डब्बे थे खाली ना, वो सारे डब्बे मैंने हटा दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वैसे खाली पड़े थे, क्लीनिंग करने से ये होता है कि हमें पता चलता रहता है कि कितने डब्बे वेस्ट हैं कितने डब्बे सही हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डब्बे मैंने निकाले और यहाँ छमाना मंचूरियन बना रही थी क्योंकि हम लोग को भूख भी लग गई थी, सुबह का ही खाना खाए थे, 12:30 बजे तक खाए थे, तो अभी 4:30 हो रहे थे, काम करते करते भूख भी लग रही थी, तो छम्मा मंचूरियन बना रही थी। फिर मैंने सारा ऊपर का सेल्फ क्लीन कर लिया, फिर नीचे के भी हल्की हल्की सफाई कर ली, जितना भी डस्ट था। किचन में उतना नहीं निकला क्योंकि किचन में मैं लगे हाथ क्लीनिंग करती रहती हूँ। और अभी फाइनल टच है किचन का, तो देखिए फ्रेंड्स किचन भी जो है क्लीन हो गया है। और अब दीपावली में डीप क्लीनिंग करूँगी। लास्ट में मैंने पोछा लगा दिया और रूम में पोछा लगाते वक्त क्लिप मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और इसलिए रूम का जो पोछा लगाया वो इसमें नहीं है वीडियो में। तो अभी देखिए गद्दा भी सूख गया है, गद्दा हस्बैंड नीचे ला दिए थे तो मैंने गद्दे को सेट कर दिया और नई बेडशीट बिछा दी है। कमेंट करके बताइएगा मेरी बेडशीट कैसी लग रही है। और जैसे जैसे टेडी बियर्स थे वो सब लगा दिए, बाकी जो टेडी बियर बहुत गंदे हो गए थे उन्हें मैंने मशीन में रख दिया है डालने के लिए। और यहाँ कान्हा जी से मिल लीजिए, राधे राधे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सारा जो है किचन और रूम जो है क्लीन हो गया है। अब बाहर के एरिया का सिर्फ मैं जाली ही साफ़ करूँगी क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, इस समय 5:30 हो रहा था और दिया जलाने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ का कोई भी डस्टिंग नहीं किया, बस हल्के हल्के जाले साफ़ कर दिए क्योंकि पितृ विसर्जन जो है ख़त्म होने के बाद हमें सफाई करनी होती है। तो बस आज मैंने रूम और किचन का क्लीनिंग किया है और कल मैं नेक्स्ट डे जब मैं पूजा वगैरह कर लूँगी तो फिर आगे के रूम का डस्टिंग करूँगी। और आगे के रूम में फ्रेंड्स ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मुझे किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में और पीछे वाले रूम में। तो अभी देखिए पूरे घर की जो झाले हैं वो सब मैंने साफ़ कर लिए हैं और अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और झाड़ू लगा के झाड़ू मैं निकालूंगी नहीं क्योंकि 7 बज चुके थे इस वक्त और हस्बैंड जो है वो सारे कर्टन्स को निकाल रहे थे। मैंने बोला निकाल दीजिए, मैं मशीन में लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने मशीन में लगाया धूला, फिर मैंने उसे वहीं पे फिर दोबारा मैंने डाल दिया पर्दे के स्टैंड में और ये सूख भी गया। रात रात मैंने छत पे इसे नहीं डाला था। तो अभी देखिए हस्बैंड सारे पर्दे निकाल लेते हैं और मैंने सारे कूड़े को गेट के बाहर नहीं किया था, साइड में लगा देती हूँ ताकि जो है सुबह जब झाड़ू लगाऊंगी तो उसे बाहर कर दूंगी। और फिर मैंने सारे कर्टन्स को और जो बेडशीट वगैरह थी वो सारे मैंने मशीन में डाल दिए क्योंकि कल गुरुवार हो जाएगा तो गुरुवार को मशीन नहीं ऑन करूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का ब्लॉग जो था यहीं तक का था, मिलते हैं दूसरे वीडियो में आप सबसे और हैप्पी नवरात्र, जय माता दी।